राधे राधे एवरीवन। जो हमें लड्डू गोपाल बरसाना में मिले थे उनकी हमने पूजा अर्चना स्टार्ट कर दी है। किस प्रकार हमने उनको अपने घर के मंदिर में विराजमान किया, किस प्रकार हमें करना चाहिए, वही मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। अंत तक बने रहिएगा और देखिए, लड्डू गोपाल कभी खंडित नहीं होते हैं। आपसे बस यही मेरा अनुरोध है, अगर आपके लड्डू गोपाल का हाथ या पैर या कहीं से भी वो टूट जाते हैं तो उनको खंडित समझकर आप कहीं ना छोड़ करके आएँ। आप गंगा जी में, यमुना जी में या फिर किसी वृक्ष के नीचे, मंदिर के नीचे छोड़ तो आते हैं, फिर बाद में वो इधर उधर पड़े रहते हैं। और पेड़ पर पीपल के पास आप छोड़ कर जाते हैं, कहीं पैर लगता है, झाड़ू लगती है, तो इसलिए कृपया ऐसा ना करें। जो भी आपने पुण्य कमाया है वो सब पाप में बदल जाता है। लड्डू गोपाल का उनका हैंड नहीं था, यानी टूटा हुआ था, तो हमने ठीक किया है। फिर उसके बाद में हमने उनको साफ भी किया और मेकअप भी किया है, बहुत ही सुंदर सा उनका प्यारा सा श्रृंगार किया है। और आज हम लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में विराजमान करने वाले हैं। तो किस प्रकार करना है, सबसे पहले तो उनको हम पंचामृत स्नान कराएंगे गंगा जल डाल करके। और जिस भी बर्तन में आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा और तुलसी दल रख के लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा। तो सबसे पहले हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल को। तो अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाता है तो आप कच्चा दूध ले लीजिएगा भैंस का, उससे भी स्नान करा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर दही ले लिया है, दही से स्नान कराएंगे। आप चाहें तो इन पांचों चीज़ों को एक जगह मिश्रित करके, मिला करके भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद में हमने शक्कर ले ली है, उससे स्नान कराएंगे, घी से स्नान कराएंगे। और देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है शहद, तो शहद से भी स्नान कराएंगे। बहुत ही आराम से हम लड्डू गोपाल को ये सारी चीज़ों से स्नान कराएंगे। जो पांच चीज़ों को मिलाकर स्नान कराया जाता है वो पंचामृत स्नान कहलाता है। और लास्ट में हम सादा जल से स्नान कराएंगे। तो जिस भी जल से आप स्नान करा रहे हैं हल्का गुनगुना जल कर लीजिएगा, और दूसरा उसमें गंगा जल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हम लड्डू गोपाल की सेवा स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बार हमारे घर में लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजमान किया जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर गंगा जल मिला लिया है और एक तुलसी दल डाल लिया है उसी में। तो उसके बाद में लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से हम नहलाएँगे, स्नान कराएँगे। तो इस तरीके से देखिए लड्डू गोपाल को मसलते हुए और रगड़ते हुए थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से हम स्नान करा देंगे। और उसके बाद में हम इनको सॉफ्ट से, मुलायम से कपड़े से इनको अच्छे से पोंछ लेंगे। और जो भी जल में आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है ये इधर उधर नहीं जाना चाहिए, यानी पैरों में ना पड़े, उस जगह पर आप इसको फेंकिएगा। पौधों में डाल सकते हैं या जहाँ पर पैर ना पड़े उस जगह पर आप डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में एक सॉफ्ट से टॉवल से इनको पोंछ दिया है। इसके बाद में अब हम इनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो पहले तो हम इनको एक किसी भी गद्दे पर, किसी भी कपड़े पर बिठा लेते हैं और अब इनको फिर से अच्छे से पोंछ देंगे, जिससे ये गीले ना रहें, इनको सर्दी ना लगे, और ये जहाँ पर पानी रहेगा वहाँ काले पड़ जाएंगे, तो इसलिए इनको अच्छे से पोंछ देंगे। और इनके साइज के जो भी वस्त्र हैं हम पहले ही निकाल करके रख लेंगे। और थोड़ी सी हम इत्र मालिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इत्र ले लिया है, इनकी बॉडी पर थोड़ा सा हम इत्र लगा देंगे, प्रभु की सेवा करेंगे इस प्रकार हम। तो भाव रूपी अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप गाय का घी ले सकते हैं, उससे भी मालिश कर सकते हैं। मालिश करने के बाद में लड्डू गोपाल को हम वस्त्र धारण कराएंगे। देखिए ये लड्डू गोपाल मेरे यहाँ पर पहली बार आए हैं, यानी तो पहले इनके साइज़ की पोशाक मेरे यहाँ नहीं है। तो जो भी मेरे पास लड्डू गोपाल की पोशाक हैं, पोशाक सिर्फ दो ही हैं अभी इनकी बना पाई हूँ, ज़्यादा पोशाक नहीं बना पाई हूँ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इनके लिए और अच्छी सी सेवा करते रहेंगे। सबसे पहले तो हम इनको नज़रिए पहना देंगे। नज़रिए कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं और जो साइज़ के आते हैं वही साइज़ के हैं, इनको घर पे बनाना पड़ेगा, धागे में डाल करके अलग से इनके साइज़ के बनाएंगे। और मैंने इनको पोशाक पहना दी है, क्योंकि सर्दियां हैं तो बूलन की पोशाक हमें पहनानी है, यानी गर्म वस्त्र पहनाने हैं। और एक सुंदर सी इनको माला पहना देते हैं, और मुकुट आप जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, सर्दियों वाला और सादा वाला जो होता है उसको भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार लड्डू गोपाल का मेकअप कर दिया।
वस्त्र पहना दिए है और थोड़ा सा इत्र इनके वस्त्रों पे लगा देंगे जिससे ये दिन भर महकते रहें, इनको अच्छी सी ताजगी आती रहे, खुशबू आती रहे। और यहाँ पर हम चंदन का तिलक लगा देंगे। तो देखिए बहुत ही छोटे से हैं ये, 4 नंबर के लाला हैं। तो तिलक लगाया मैंने, थोड़ा सा आँख की तरफ लगा चला गया, तो मैं उसको हैंकी से साफ़ कर दूँगी। और लड्डू गोपाल की हमने ये बंसी बना दी है घर पर ही, और प्यारा सा गोई लड्डू गोपाल का नाम रखेंगे हम, जो आपको अच्छा लगे अपने लड्डू गोपाल का नाम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल का नाम लड्डू रख दिया है, और ये सबसे छोटे हैं हमारे घर में। तो बाकी के ये जो 2 बड़े लड्डू गोपाल हैं ये उनके भाई हैं और ये छोटे हैं। तो इस तरीके से सभी को हमने लड्डू गोपाल को बंसी हाथ में दे दी है और लड्डू बीच में बैठ गए हैं, बाकी के दोनों भाई उनके साइड में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार इनको एक नया दोस्त मिल गया, नया सखा मिल गया, और बहुत ही प्यार के साथ अब हम तीनों लालाओं की सेवा करेंगे। तो चलिए धूप दीप जला लेते हैं। एक मेरे पास कमेंट आया था कि दीपक किसका जलाना चाहिए, घी का या फिर तेल का। तो देखिए अपने सामर्थ्य अनुसार जैसे भी आपको सूटेबल हो, ठीक लगे, आप तिल के तेल का या घी का जला सकते हैं। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए, प्रभु तो बस भाव देखते हैं। आपको घी का दीपक जला रहे हैं या फिर तेल का जला रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक आपको बहुत ही सुंदर सी घटना सुनाती हूँ। माता कर्माबाई थी जो कि सुबह 4 बजे उठकर ये श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी पकाया करती थी। वो सोचती थी कि जब दिन निकल आता है तो सभी भोग लगाते हैं, रात को सोए हैं लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण भगवान, तो उनको भूख लगती होगी, इसलिए मैं सुबह जल्दी ही खिचड़ी पका देती हूँ। तो सुबह श्री कृष्ण आने भी लगे, उनका भोग पाने भी लगे। तो जब 8 बजे करीब स्नान करने के लिए जाने लगी, एक संत महाराज उनको मिले, तो उन्होंने बोला इतनी लेट स्नान करने जाती हो। तो उन्होंने बताया कि मैं श्री कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी पकाती हूँ सुबह 4 बजे, तो इसलिए लेट हो जाता है, प्रभु खाने आते हैं, कि कितना बड़ा पाप कर रही हो, बगैर नहाए भोजन बनाती हो श्री कृष्ण भगवान के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब से मैं स्नान करके ही बनाऊँगी। तो सुबह कर्माबाई जल्दी 4 बजे उठने के बाद वो नदी में स्नान करने जाती हैं, उसके बाद में आकर के खिचड़ी पकाने के लिए रख देती हैं। जब खिचड़ी बन जाती है तो वो श्री कृष्ण के लिए निकाल करके भोग लगाती हैं, पर श्री कृष्ण भगवान नहीं आते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को तो अपना उनका अनंत प्रेम और भाव चाहिए था। जब श्री कृष्ण भगवान नहीं आते हैं तो कर्माबाई को बहुत दुख होता है। फिर से अगले दिन वो बगैर नहाए 4 बजे श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी पकाने के लिए रख देती हैं, और फिर से श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का भोग लगाने आने लग जाते हैं। तो देखिए भक्त का भाव देखा जाता है, वो क्या समर्पित करना चाहता है, क्या स्थिति परिस्थिति जैसी भी है, जो भी है, रूखा सूखा है, बस भाव से प्रेम से लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा और सेवा करते रहिएगा। तो देखिए बातों ही बातों में हमारे लड्डू गोपाल की पूजा आरती भी हो गई है। अब हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि हमारे घर पहली बार लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना स्टार्ट की है हमने, तो इसलिए उनसे क्षमा मांगना तो बनता ही है, क्योंकि हमसे बहुत सारी गलतियां अनजाने में हो जाती हैं और हमें ये महसूस होता है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो इसलिए पूजा करने के बाद में उनसे क्षमा याचना ज़रूर करें, और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। बस इतनी सी ही सेवा हमें करनी होती है, और जो भी भोग आपके पास है वो भोग समर्पित करें, और भोग में तुलसी दल जरूर रखें। भोग लगाते समय ताली या घंटी का प्रयोग जरूर कीजिएगा। बस इतनी सी ही सेवा है, फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।